लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी कि 17 सितंबर को कहा कि अगर राज्य में कोई राह चलती लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करते हुए मिलेंगे, उसे यमराज के यहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि सीएम योगी का ये बयान अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के दौरान 12वीं की छात्रा का दुपट्टा खींच लिए जाने और उसकी मौत हो जाने के बाद आया। बता दें कि ये वारदात पिछले शुक्रवार को हुई और इस मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि रविवार को जब मेडिकल के लिए आरोपियों को ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में वो पुलिस की बंदूक लेकर भागने की कोशिश करने लगे और पुलिस पर फायरिंग भी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें 2 आरोपियों के पैर पर गोली लग गई और एक आरोपी का भागते समय गिरने से पैर टूट गया। तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में 343 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा की बात करते हुए कहा, हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है, कानून को बंधक बनाकर के कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। क्या आपको बता दें कि अंबेडकर नगर घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कक्षा 12वीं की एक छात्रा अपने दोस्त के साथ साइकिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान बाइक पर सवार 2 मनचले आते हैं और पीछे बैठा एक युवक छात्रा का दुपट्टा खींच लेता है जिसकी वजह से छात्रा का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है, जिसके बाद पीछे से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कई धाराएं लगाते हुए मामला दर्ज किया गया और साथ ही थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।